बहुत इंजीनियस। लास्ट क्लास में हम लोग स्टेप अप चॉपर देखे थे और उसका हमने देखा था कि उसका एक एप्लीकेशन होता है रीजनरेटिव ब्रेकिंग, लेकिन हमने उस पार्ट को समझा नहीं था क्योंकि वो जो पार्ट है वो क्लास बी चॉपर से रिलेटेड है जो कि हम लोग को आज पढ़ना है। लेकिन उससे पहले हम जरा ये देखते हैं कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग होता कैसे। थोड़ा सा मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग एक ऐसा मेथड है जिससे कि जो मेन पर्पस है ब्रेकिंग का, स्लो करना। ब्रेकिंग का क्या मेन पर्पस है? किसी चीज को स्लो करना है ना, तो उस पर्पस को तो फुलफिल करे ही, वो पर्पस तो हो ही, लेकिन उसके साथ में हम कुछ और कर सकते हैं क्या? तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग में ब्रेकिंग का पर्पस तो होगा ही, उसके साथ में कुछ वोल्टेज भी जनरेट होगा, कुछ और भी दूसरे काम होंगे जिसके कारण कि इस ब्रेकिंग का नाम है रीजनरेटिव ब्रेकिंग। तो आइए देखते हैं पहले कि एक्चुअली ये ब्रेकिंग होता कैसे। देखिए, ये जो ब्लू वाला पार्ट है, इधर का पार्ट, इसको अगर आप छोड़ दें तो जो ब्लैक वाला पार्ट है, ये इधर वाला, ये एक सिंपल डीसी संट मोटर है ना। यहां पर आप देख रहे हैं सप्लाई वोल्टेज है, ये आपका मोटर है, जैसा हम लोग जानते हैं बैक ईएमएफ, ये बैक ईएमएफ है, आरए आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस है, और ये आरएसएच फील्ड वाइंडिंग संट रेजिस्टेंस है, ये आपका डीसी मोटर है, ठीक है। और रीजनरेटिव ब्रेकिंग के लिए बाय द हेल्प ऑफ चॉपर एक एक्स्ट्रा सर्किट लगाई हुई है जो कि आपको ब्लू वाला दिख रहा है, जो कि इस पॉइंट से एक स्विच के थ्रू एक इंडक्टर है लार्ज वैल्यू का, चॉपर है पैरेलल में, डायोड है, और यहां पर एक वीएस है। ये जो वीएस है ये जनरली कोई डिस्चार्ज्ड बैटरी या यहां पर कोई लोड भी हो सकता है, या जनरली डिस्चार्ज बैटरी टाइप का लगा होता है जिसको कि हम लोग रीजनरेटिव ब्रेकिंग से चार्ज करते हैं, जो ही कुछ मिल जाए। तो देखिए होता कैसे है। देखिए, नॉर्मल कंडीशन में जब आपका मोटर रन कर रहा है तो ये स्विच क्लोज होते हैं, है ना, और इधर से सप्लाई करेंट, सोर्स करेंट आईएस, आर्मेचर करेंट आईए, और संट वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ISH, ये फ्लो करता रहता है नॉर्मल कंडीशन में, ये सब चलता है। जब आपको ब्रेकिंग करना है ना, जो कि यहाँ पे करंट आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस कर देगा तो टॉर्क लगेगा, इसको मूव कर रहा है। जब आपको ब्रेकिंग करना है तो तीन ऑपरेशंस एक साथ करने होते हैं। पहला, इस स्विच को ऑफ करना होगा, ठीक है। दूसरा, इस स्विच को ऑन करना होगा, और तीसरा, चॉपर को गेट पल्स देना होगा, ठीक है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग करने के लिए, जैसे मान लीजिए ट्रेन है ना, चल रही है और स्टेशन नजदीक आ गया, अब आपको ब्रेक लगाना है, तो वो इस स्विच को ओपन करेंगे, इस स्विच को क्लोज करेंगे और चॉपर को पल्स देंगे। क्या क्या होगा देखिए, जैसे आप इस स्विच को क्लोज करेंगे, इस स्विच को क्लोज करेंगे मतलब इसको ओपन करेंगे, इसको क्लोज करेंगे और चॉपर को पल्स देंगे, मतलब चॉपर को भी शॉर्ट करेंगे, होगा क्या कि यहां पर जो वोल्टेज इंड्यूस्ड है बैक ईएमएफ ईए, है ना, इसको एक रास्ता मिलेगा इस तरफ से अपने आप को डिस्चार्ज करने का, है ना। यहां पर वोल्टेज इंड्यूस्ड है ईए, इसको एक रास्ता मिलेगा इस तरफ से अपने आप को डिस्चार्ज करने का, तो ये जो ईए है इससे करंट फ्लो करेगा, इधर भी जाएगा, आरएसएच में भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, और चॉपर हम ऑन किए, मतलब टी ऑन का पीरियड चल रहा है। होगा ये कि करंट जब, अब देखिए, जब ये नॉर्मल कंडीशन में था तो करंट का डायरेक्शन ऐसे था, और जब हम रीजनरेटिव ब्रेकिंग के लिए इसको ऑफ किए, इसको ऑन किए, इसको पल्स दिए, तो इसका डायरेक्शन ऐसे हो गया, है ना, इसका डायरेक्शन इस तरफ ऐसे हो गया, ठीक है। तो जब ये डायरेक्शन हुआ है तो पहले के कंपैरिजन में तो डायरेक्शन अब चेंज है, पहले के कंपैरिजन में डायरेक्शन तो चेंज हो गया। तो पहले, जैसा हम लोग जानते हैं कि टॉर्क के लगने का जो डायरेक्शन होता है वो देता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, है ना। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, करंट है, फील्ड है और ये है। देखिए, फील्ड का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा क्योंकि संट वाइंडिंग में जो पहले करंट का डायरेक्शन था वही है डायरेक्शन, लेकिन आर्मेचर से जो करंट है उसका डायरेक्शन तो चेंज हो गया। तो पहले अगर ये करंट है, ये फील्ड है, तो ऊपर, मतलब ये सी एफ टी, है ना,
ये करंट का है, ये फील्ड का है, तो टॉर्क ऊपर की तरफ लग रहा है ना, अब करंट का डायरेक्शन आपका चेंज हो गया, फील्ड तो वही है तो टॉर्क नीचे ले गया, मतलब कि ब्रेकिंग एक्शन शुरू हो गया, क्योंकि अब इस पे टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, फील्ड भी है करंट भी है, तो अब इस पे टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसकी ब्रेकिंग शुरू हो गई, समझा है ना, ब्रेकिंग स्टार्ट हो गया। और उसके साथ साथ एक और भी काम हुआ, ये जब इसको सप्लाई देगा और चॉपर को हमने शॉर्ट किया हुआ है तो ये इंडक्टर चार्ज होगा, जैसा हम लोग स्टेप अप पर पढ़े हैं, ये इंडक्टर चार्ज होगा और ये चार्ज होगा। फिर जब हम लोग इसको ऑफ करेंगे, इसको ऑफ करेंगे, तब ये और जैसे ही ऑफ करेंगे इसके साथ सर्किट में आएगा ये सोर्स, जैसे इसको ऑफ करेंगे इसके साथ सर्किट में ये सोर्स भी आएगा। तो जो हमने पढ़ा था कि जब स्टेप अप में जब चॉपर ऑन रहता है तब इंडक्टर से करंट इंक्रीज होता है, और जब हम चॉपर को ऑफ करते हैं तो एक लोड कनेक्टेड होता है तो फिर करंट डिक्रीज होता है। तो जैसे ही करंट डिक्रीज होना शुरू होगा इसकी पॉलिटी चेंज हो जाएगी, और इसकी पॉलिटी चेंज हुई तो ये प्लस ये दोनों वोल्टेज सोर्स मिलकर के इधर से इसको फॉरवर्ड बायस करेंगे डायोड को, और इधर से करंट देंगे और इस बैटरी को चार्ज करेंगे। ये कब तक चार्ज होगा? जब तक कि ये ना खत्म हो जाए और इसकी एनर्जी ना खत्म हो जाए, जब तक इसका वोल्टेज, जब तक इन दोनों का मिला के इससे ज्यादा होगा, जब तक इन दोनों का सम इससे ज्यादा होगा तब तक इसको चार्ज करेगा, और जब ये खत्म हो जाएगा तब ये बैक तो आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर डायोड लगा हुआ, तो जब ये खत्म हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। तो या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जब तक ट्रेन कंप्लीटली ये स्टॉप नहीं हो गया तब तक अगर ये ज्यादा होगा इससे तो कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि दो चीज एक साथ हो रही है, एक तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट के फ्लो होने से अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगा तो गाड़ी भुकेगी भी, और दूसरा कि हमने एक स्टेप थोड़ा देर के लिए जो अपना चॉपर को ऑन करके हमने इंडक्टर को चार्ज कर लिया, ठीक है ना, और जब चॉपर को ऑफ किए तो ये और इंडक्टर दोनों मिल करके बैटरी को चार्ज किए, ठीक है। जब तक ये कंप्लीटली स्टॉप ना हो जाए कुछ स्पीड रहने तक हम इसको चार्ज कर सकते हैं, और जब ये इन सब के सम के बराबर हो गया तो फिर गाड़ी स्टॉप हो जाएगी, नहीं चार्ज कर पाएंगे, ऑफ हो जाएगा जो भी है। अगर हम इसको फ्रिक्वेंटली ऑन ऑफ करें तो क्या होगा, ये चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा, फिर चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा, तो थोड़ी देर तक और हम इसको कंटिन्यू पावर दे सकते हैं। ये है रीजनरेटिव ब्रेकिंग, है ना, कि ब्रेकिंग भी हुआ और रीजनरेशन भी हुआ वोल्टेज का, ठीक है। अब इसमें जो चीजें इन्वॉल्व हैं इनको लेकर के स्टेप क्लास बी चॉपर बनाया गया। देखिए स्टेप अप चॉपर आप देखे थे उसमें सिंपल था ये सर्किट और यहां पे आउटपुट था, ये था स्टेप अप चॉपर, ये सोर्स था, ठीक है, जो भी। और जो क्लास बी चॉपर है उसमें कुछ नहीं किया गया, बस आप ये समझिए कि इसी सर्किट को पलट दिया गया। मैं अगर क्लास बी चॉपर अगर बनाए तो क्लास बी चॉपर में ये बीएस को इधर लिया गया है, और बीएस में इस तरफ डायोड है तो इस तरफ इसमें डायोड लगाया गया है वही चीज, ठीक है। और फिर इधर एक इंडक्टर के साथ सीरीज में करके, और ये जो है ना मोटर इसको आरए को नेगलिजिबल मानते हैं इस तरह से, तो ये ईए का लोड है, यही आपका क्लास बी चॉपर है ना, सब कुछ वही है। ये लोड इसको पावर देगा, जब ये ऑन होगा चॉपर ऑन रहेगा तो ये इसको चार्ज करेगा, ठीक है, और चॉपर जब ऑफ होगा तो ये दोनों मिलकर के इसको चार्ज करेंगे, यही है, ठीक है। तो इसको हम लोग भी देखेंगे अभी, इसका वेवफॉर्म वगैरह भी देखेंगे। तो देखिए ये इसका है, और जो करंट का डायरेक्शन है जनरली हम लोग जैसे यहां पे देखिए इस कंडीशन में ये जो लोड है इस पर करंट का डायरेक्शन इस तरफ है, तो जनरली हम लोग इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं कि लोड में जब करंट आ रहा है तो मतलब डायरेक्शन पॉजिटिव है, लेकिन यहां पे लोड से करंट जा रहा है ना इधर, तो डायरेक्शन करंट का नेगेटिव लेंगे,
जो कि इसको एक सेकेंड क्वाड्रेंट चॉपर भी बनाएगा। टाइप ए जो था वो फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर था, उसके क्रॉस वोल्टेज, उसके क्रॉस करंट हमेशा पॉजिटिव रहता था, लेकिन ये जो टाइप बी हम लोग देखेंगे ये वाला, ये सेकेंड क्वाड्रेंट चॉपर होगा, मतलब इसके क्रॉस वोल्टेज तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा लेकिन करंट इससे हमेशा निगेटिव रहेगा, तो उसको हम लोग देखेंगे। अब देखते हैं, देखिए ये है क्लास बी चॉपर। देखिए जितने भी टाइप के चॉपर हैं उसका फिगर याद रखिए और वर्किंग याद रखिए, तो बाकी चीजें वेव फॉर्म वगैरह आप खुद से बना सकते हैं। तो देखिए क्लास बी चॉपर बहुत सिंपल, ये सिर्फ क्लास बी वाले पार्ट को ही दिखाया गया, इसमें लोड, इसमें और भी जो चीजें हैं वो सब नहीं दिखाई गई, सिंपल है। जो पिछला में मैंने आपको पूरा दिखाया था, सप्लाई वोल्टेज, शंट फील्ड, मोटर पूरा, ये सिर्फ उसका वो वाला पार्ट है जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग करता है। ये है मोटर जिसके साथ एक सीरीज में एक इंडक्टर लगाया गया, वहां पर लगाए थे हम, और इसका टोटल जो वोल्टेज है वो वी आउटपुट है, और यहाँ पर हमने सिर्फ ये लिया है, लेकिन आपको पता है कि इसमें आर्मेचर का रेजिस्टेंस भी होगा, वो सब चीजें नहीं दिखाते हैं, निग्लिजिबल मान के। अब और इधर चॉपर पैरेलल में यहाँ डायोड और यहाँ पर वो वोल्टेज सोर्स जिसको चार्ज करना है। अब मोड वन 0 से T ऑन के बीच का, मतलब ये टाइम, क्योंकि हम यहां पे पल्स दे रहे हैं, ठीक है ना, तो यहां पे पल्स दे रहे हैं, तो आपका चॉपर ऑन जब होगा तो इधर तो कोई करंट नहीं जा रहा होगा, है ना, और इधर से कोई करंट आ भी नहीं सकता है क्योंकि डायोड रिवर्स बायस होगा, तो इधर से जो सर्किट होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ये जो ईए है वो इस इंडक्टर को चार्ज कर रहा होगा, प्लस माइनस वीएल, और करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा। नोट ये करना है कि करंट का जो डायरेक्शन है वो कन्वेंशनल डायरेक्शन से उल्टा है। कन्वेंशनल डायरेक्शन मतलब कि लोड में करंट जाए, यहां पे क्या है, लोड से करंट निकलना है, तो ये कन्वेंशनल डायरेक्शन से अलग है, है ना, तो इसलिए हम लोग जब यहां पे वेव फॉर्म बनाएंगे तो इस करंट को ऊपर न बना करके नीचे बनाएंगे, क्योंकि डायरेक्शन उल्टा है इसलिए हम लोग करंट को निगेटिव लेकर के चलेंगे। अब इसमें अगर आप केवीएल लगाइए तो सिंपल दिख रहा है कि वीएल इक्वल टू ईए, और केवीएल लगाएं तो एलडीआई नॉट डीटी बाई ईए, लैपलेस लेंगे तो हाँ, फिर से वही बात, अगर पहले करंट आई वन था तो इनिशियल कंडीशन आई वन लेके चल रहे, पहले अगर करंट आई वन था तो मतलब वही बात है कि बीच का किसी टाइम का आपको वेव फॉर्म बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये है, फिर इसको मैंने ये किया, यहीं पर मैंने इनवर्स भी ले लिया जो कि छोटा सा था, तो I नॉट टी आया I1 प्लस ये अपॉन L इनटू T, मतलब I1 से करंट लिनियरली बढ़ेगा। तो अगर पहले से करंट ये था I1, तो अब ये करंट बढ़ करके ये हुआ, सपोज दिस इज I2। जरा V0 को सोचिए, इस T on टाइम पीरियड में जब ये सॉर्टेड है तो V0 किसके बराबर होगा, इसके बराबर जो कि जीरो होगा, तो V0 इस पीरियड में क्या होगा, जीरो, और I1 से बढ़कर के I2 हो गया। IS इससे करंट, इधर करंट कितना आया होगा, जीरो, जीरो, ठीक है। तो ये T on के दौरान, मोड 1 के दौरान ये सीन है, इंडक्टर से करंट इंक्रीज हो रहा है, इसमें एक वोल्टेज इंड्यूस्ड है। अब मोड टू में क्या होगा आप गेस कर लिए होंगे अगर पिछला वीडियो और उससे पिछला वाला देखे होंगे, तो मोड टू में जैसे ही हम लोग चॉपर को ऑफ करेंगे, फोर्स्ड कम्यूटेट करेंगे, जैसे ही हम लोग चॉपर को फोर्स कम्यूटेट करेंगे, जब तक चॉपर शॉर्ट था तब तक करेंट इंक्रीज हो रहा था, जैसे ही चॉपर को हमने ओपन किया वैसे ही इस लोड के अक्रॉस आ गया ये वोल्टेज सोर्स, तो करंट अब डिक्रीज होगा, है ना, करंट डिक्रीज होगा, और करंट जैसे ही डिक्रीज होना स्टार्ट होगा वैसे ही इसके वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। जैसे ही इधर लोड मिला करंट की वैल्यू डिक्रीज करेगी, करंट डिक्रीज करेगा इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, और तब ये दोनों मिलकर के इसको वोल्टेज देंगे, ये दोनों मिलकर के इसको सप्लाई देंगे, है ना, और करंट घटेगा, और ये I2 तक पहुंचा, फिर I2 से घट करके I1 इस तरह से यहां पर है, और फिर यही सिलसिला आपको चलता है। अब इस समय T
ऑफ के समय भी आउटपुट कितना होगा, मतलब ये पूरा वोल्टेज, और इस पूरे वोल्टेज में सिर्फ ये और ये ही नहीं है, ये इसका भी वोल्टेज है, इसका भी वोल्टेज है, जो रेजिस्टेंस वगैरह मोटर का है उसका ड्रॉप भी है, कई सारी चीजें, वो सब मिलाकर के वोल्टेज कितना है बी आउटपुट। हालांकि करंट इधर से इधर आ रहा है, इसका मतलब है कि ये और ये दोनों मिलकर के इससे ज्यादा है ना, मतलब कह सकते हैं ए प्लस वी एल इज ग्रेटर देन वी एस, ठीक है। लेकिन जो भी आउटपुट है टोटल वो भी एस के बराबर होगा क्योंकि पैरेलल में, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पर एक रेजिस्टिव ड्रॉप वगैरह भी हो रहा है, तो ये इसको सप्लाई देगा, इसको चार्ज करेगा तब तक जब तक ये फुल, मतलब जब तक कर सकता है तब तक करेगा, जरूरी नहीं कि एक बार में ही हो जाए, दो बार में, तीन बार में, चार बार में ब्रेक लगते लगते चार्ज हो जाएगा जो भी। तो V आउटपुट विल बी ऑलवेज इक्वल टू वी एस, है ना, तो V आउटपुट विल बी ऑलवेज इक्वल टू वी एस, V आउटपुट विल बी ऑलवेज इक्वल टू वी एस। तो ये कुछ इस तरह से कर सकते हैं हम लोग, V आउटपुट इज ऑलवेज इक्वल टू वी एस। अब आई एस को देखें अगर, तो आई एस जो इससे करंट है वो पहले में टी ऑन के पीरियड में तो जीरो है, टी ऑफ में एक बैक बढ़ करके इस, क्योंकि टी ऑफ जैसे होगा तो जो करंट यहां वही करंट यहां, तो ये इस तरह से बढ़ करके ये होगा, फिर घटेगा इस तरह से, फिर इस तरह से, और फिर ये चीज कंटिन्यू है जो आप यहां देख रहे हैं आई टू और नीचे जो है जो है आई वन, ठीक है। तो ये इसका पूरा का पूरा प्रोसेस है, यहां पर फिर से गेट पल्स देंगे, तो ये चीज इस तरह से चलता है रीजनरेटेड। अब इसमें एक जो पॉइंट है वो ये है कि इसको हम लोग एक और नाम से पुकारते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट चॉपर। तो सेकंड क्वाड्रेंट चॉपर क्यों कहते हैं वो देख लीजिए, सेकंड क्वाड्रेंट चॉपर इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर हम देखें वी आउटपुट और आई आउटपुट को, तो यहां पर वोल्टेज तो हमेशा पॉजिटिव है, वोल्टेज तो हमेशा पॉजिटिव है, लेकिन करंट हमेशा क्या है निगेटिव है, तो वोल्टेज हमेशा पॉजिटिव, करंट हमेशा निगेटिव, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। जैसा हमने स्टेप उसमें देखा था क्लास ए में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट था क्योंकि उसमें वोल्टेज हमेशा पॉजिटिव था, करंट हमेशा पॉजिटिव था, सर्किट ही अलग था। यहाँ पे वोल्टेज हमेशा पॉजिटिव है, करंट हमेशा निगेटिव है, और करंट किसके किसके थ्रू हो रहा है, सी एच के थ्रू और डी के थ्रू, चॉपर के थ्रू और डायोड के थ्रू, तो सी एच डी सेकेंड क्वाड्रेंट चॉपर, ठीक है। तो ये है आपको क्लास बी चॉपर। अगले क्लास में हम लोग क्लास सी और क्लास डी और भी जो क्लासेस हैं इसके वो देखेंगे, और आपको लोड कम्यूटेटेड, फोर्स कम्यूटेटेड करके चॉपर कंप्लीट करेंगे, मतलब दो क्लास आएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, लेट्स टॉक अबाउट फॉर योर एग्जाम्स।